लगता है मुझ में कि बदल सकता हूँ मुल्कों के माथे की लकीर। हिंद के ताज पर भी मैंने लिखे है एक दर्द भरी खूनी तहरीर। फरिश्तों से पाक लोगों को मैंने कुछ ऐसी सजा दी है। फूलों की घाटी संगीनों से सजा दी है। दुनिया जिसे कहते थे जन्नत उसके चप्पे चप्पे पर है आज दहशत की दस्तक। न जाने कब से अमन की इस जमीन पर मेरी थी नजर, और जब इन मासूम कश्मीरियों पर टूटा मेरा कहर, हुक्मरान नाचे मेरे इशारों पर। नजर लग गई इन खूबसूरत नजारों पर, मेरे हथियार बन गए नौजवान, उजड़े घर बार, बस्तियां हो गई सुनसान। हर पल जहां रहता था खुशियों का आलम, हर दिन वहां होते हैं इंसानों के मातम। बंदूक बूट और बंकर छीन ले गए संतूर के सुरीले सुर। मस्त झेलम में भी फैल गया लहू का जहर। उदास डल पर भी दिखता है मेरी चालों का असर। जुर्म हूं मैं दहशत गर्दी की चालों में, अलगाव के सवालों में मैं अपना रूप दिखाता हूँ। भोले भाले लोगों को खूनी चाल में उलझाता हूँ। हाशिम ने भी जवानी के दहलीज पर बस रखे थे कदम। मैंने ढाया कुछ ऐसा सितम कि उसकी कश्मीरियत की पहचान खो गई, और उम्मीदों भरी जवानी सलाखों के पीछे गुम हो गई। सन 1971 में भारतीय हवाई जहाज को हाईजैक करने के जुर्म में हाशिम कुरैशी वल्द खलील कुरैशी पाकिस्तान की अदालत ने 19 साल कैद बामशक्कत की सजा सुनाई, लेकिन 9 साल 3 महीने बाद हाशिम को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया, और एक मुल्क से दूसरे मुल्क 30 साल भटकने के बाद हाशिम का अपनी जन्मभूमि कश्मीर की जमीन पर लौटना संभव हुआ। नई पौध को अपनी मुट्ठी में कर लेता हूँ, नन्ही कलियों को मसल देता हूँ, और मासूम बचपन को भी निगल जाता हूँ। निश्चल मुस्कान में घोल देता हूँ रंज और खार। नाजुक कंधों पर डाल देता हूँ बंदूकों का भार। सियासत के दांव पेच में भर मारकर कश्मीर की जड़ों पर मैंने किया वार। कुछ ऐसे ही हाशिम भी बना मेरा मोहरा। खोने लगा तशद्दुद की धुंध में बचपन सुनहरा। 53 की मेरी पैदाइश है, 53 में शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया गया, तो इस क्राइसिस की पैदावार है हम सारी। और ये 10-12 साल चलता रहा, मुजाहरे पथरा वगैरह बंदूक नहीं थी। धरती के टुकड़े करने को रहता हूँ बेताब। इंसान बन जाए इंसानियत का दुश्मन, बस यही है मेरा ख्वाब। हिटलर के क्रूर विचारों में, हिरोशिमा पर बरसे अंगारों में, हुक्मरानों के झूठे नारों में, हिंद पाक के बंटवारे में, दुनिया ने देखा है
अहरम का रक्स मिला। इतना जालिम हूं कि कश्मीर में बच्चों को बनाया मैंने महरा। कम उम्र हाशिम आ गया मेरे पास में, कुछ भी कर गुजरने को हो गया बेताब वो जोश में। आने लगा धीरे धीरे मेरी आगोश में। यहाँ पे एक जलसा किया तो मैं भी उसमें शामिल हुआ, और मुझे याद है मैं घर से तीसरी मंजिल से चादरें बांध के भाग गया था जलसे में शामिल होने के लिए। मेरी 12 या 13 साल उम्र थी। तो जनाब उस वक्त मैं जब यहाँ आया तो यहाँ लाठीचार्ज हुआ जलसे में। लाठीचार्ज जलसे हुए तो हम एक बगीचे में फंस गए, बच्चे बूढ़े औरतें। तो अब वहाँ मैंने देखा नहीं कोई जिसके अंदर वो शक्ति हो कि वो उनको निकाले। तो मेरे अंदर ऑटोमेटिकली जैसे पता नहीं क्या हुआ, मैं बच्चा था, मैंने उनको निकाला दो दो करके, तीन तीन करके। तो बाहर CRP थी, बाहर पुलिस थी, लाठीचार्ज हो रहा था, टायर गैस हो रहा था। एंड पे मैं भी जब निकला था, मैं जिस तरह भाग रहा था मैं समझ रहा हूँ पीछे से आवाज़ आ रही, आगे से मुझे आवाज़ है। तो मुझे उन्होंने डंडा मारा तो मेरी टांग में ना यहाँ निशान था, ये मेरी जो है ना इसमें काफ़ी देर ये मुझे जो है ना ये बिगड़ा था। ये मेरी बेइज्जती, और मुझे पुलिस ने पकड़ लिया था। दो दिन में थाने में था, फिर मेरी जमानत। मेरी साजिश का जहरीला धुआं फैलने लगा। जन्नत सी वादियों में इंसानियत का जनाजा निकलने लगा। फिजाओं में षड्यंत्र नाचने लगे। खौफनाक ख्याल हवाओं में बहने लगे। अलगाव की जमीन बनने लगी। आतंक की बुनियाद जमने लगी। अंजाम से होकर लापरवाह आ गया हाशिम मेरी पनाह। अंधेरी राहों पर बढ़ने लगा। मानवता के मुंह पर तमाचे चढ़ने लगा। इसी दौरान मकबूल भट्ट साहब जो है ना वो यहाँ आए थे पार्टी मुनज़म करने के लिए, तो वो जेल से भाग गए, उनको सजाए मौत थी। अब उनके पोस्ट जगह जगह लगे थे कि जो इसको पकड़वाएगा उसको 50,000 का इनाम। तो ऑटोमेटिकली यंग हम लोग थे, हम वो पोस्टर फाड़ते थे, क्योंकि ये पेशावर में रहते थे और मकबूल भट्ट भी पेशावर में रहते थे। तो मकबूल भट्ट साहब मुझे पेशावर में मिले, फिर मैं वहाँ से, उसने मुझे बताया पार्टी किस तरह मुनज़म करनी है, क्या करनी है। फिर मैं वहाँ से वापस आया, मैंने यहाँ सेल्स बनाए कालजियों में मुख्तलिफ जगहों पर। आज बस 15 and a half। इस दौरान सेल्स बनाने के बाद जब उन्होंने कहा जी हमें असला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो मैंने बॉर्डर क्रॉस किया। उस दौर बॉर्डर क्रॉस करके जब मैं वहाँ गया तो मैंने वहाँ फिर कमांडो ट्रेनिंग। सरहदों में बांध कर इंसानों की पहचान मैंने पैदा किए जंग के इम्कान। नहीं है बशर मेरी शैतानी चालों से आगाह। फंस गए घाटी के बाशिंदे मेरे शिकंजे में ख्वामखा। हाशिम की आंखें देखने लगी भयानक ख्वाब। हकीकत लगने लगा उसे रेगिस्तानी शराब। नहीं जानता था क्या होगा अंजाम। बनना था बन गया वो मेरे हाथों हैवान। ये श्रीनगर से जहाज जा रहा था दिल्ली वाया जम्मू। तो हम इसमें टिकटें लेके चढ़े दो आदमी, अशरफ कुरैशी और मैं। तो हम टिकटें लेके चढ़े, हमारे पास एक ग्रेनेड सेल्फ मेड था और पिस्टल भी हमारे पास, डम भी था। तो उसमें जब जम्मू ये पहुंचने लगा तो मैं उठ के पायलट के पास गया, तो मैंने उसको यहाँ पिस्टल रखा और अशरफ कुरैशी ग्रेनेड लेके जो खुद बनाया था हमने वो सवारियों के सामने खड़ा हो गया। तो हमने उसे कहा यहाँ लैंड ना करो, सीधे चलो, क्योंकि हम वो लैंड जब करता है तो वो इधर से आके उसका मुँह पाकिस्तान की बॉर्डर की तरफ होता है, फिर वो यूं करके जम्मू में होता है। तो चूँकि ट्रेनिंग थी मुझे,
اس کو ہم نے کہا لو فلائٹ کرو. اس وقت انڈین جہاز بھی آئے تھے, انہوں نے کہا جی ہم گرا دیں گے, ہم نے کہا گرا دیں. لیکن وہ چونکہ گرا نہیں سکتے تھے, مطلب انٹرنیشنل لا ہے سواری کی سب سے زیادہ حفاظت. تو پھر وہ ویسے بھی وہ رہنے والا سردار تھا, اس میں پائلٹ وہ حافظ آباد کا تھا, پھر ہم حافظ آباد کے اوپر سے اس نے کہا حافظ آباد, تو میں نے اس کو جی ٹی روڈ سے لاہور لے. جھوٹے سیاسی نعروں میں, نفرت کی دیواروں میں, ظلم کے ہتھیاروں میں, معصوموں کے ہتھیاروں میں ہی بستا ہوں, کیونکہ جرم ہوں. آپ دیکھیں ہم کتنے باشعور تھے کہ جس وقت جہاز اغوا کیا لاہور اترا تو کافی سارے لوگ جو سواریاں تھیں وغیرہ, میں ان کے پاس گیا چھوڑنے کے بعد لانچ میں, اور میں نے ان کے ہاتھ باندھ کے کہا جی میں آپ سے معافی چاہتا ہوں, آپ سے میرا کوئی جھگڑا نہیں تھا. اتنے باشعور, انسانیت کوٹ کے بری تھی. لیکن یہ وائلنس, ایک تو وہ جو سواریاں تھیں ان کا جو خوف, ان کی جو آنکھوں میں دہشت, موت کا دہشت, یہ ساری چیزیں کافی دیر ذہن میں رہی. ایک بار تھام لیا جس نے میرا دامن, اجڑ جاتا ہے اس کے خوشیوں کا چمن. رات کی سیاہی اس کی تقدیر بن جاتی ہے, رسوائی اس کی ماتھے کی لکیر بن جاتی ہے. ہاشم کو میری ہمراہی کا برا انجام ملا, اس کے اپنوں کو ملا اس کی کرتوتوں کا سلا. کھیل کی عمر میں جیل ملی, آنکھوں کا تارا بچھڑ گیا, دیوانی ماں پھرتی تھی گلی گلی. احساس اس لیے کہ میں نے اس کی بہت قیمت چکائی ہے. دیکھیے میں نے خود بھی ایک, میں 17 سال کا بچہ تھا, اور میں نے 9 سال میں نے اپنا لڑکپن, میں نے اپنی جو زندگی کھیلنے کودنے پڑھنے لکھنے کی ہوتی ہے, مجھے جیل میں پڑھنا پڑا. میں نے وہ 9 سال 1 مہینے جیل میں گزاری. میں ایک اچھے خاندان کا فرد تھا, میں 3 بیٹیوں کے بعد پیدا ہوا تھا, میری پرورش بڑی اچھی طریقے سے ہوئی تھی. لیکن آپ یہ دیکھیں, میں چٹائیوں پہ سوتا تھا 9 سال 1 مہینے, میں دال کھاتا تھا. میں نے پہلے اس سے پہلے کبھی دال نہیں کھائی تھی, ایسی دال جس میں پانی ہوتا تھا اس طرح کھاتا تھا. 9 سال 9 سال میں نے تشدد سہا جیلوں میں, شاہی قلعے میں میں نے سب سے زیادہ مار پیٹ سہی ہے. یعنی میں نے ایک تو وہ ایک سارا عمل, اپنی پوری لائف تباہ. میرے اپنے ماں یہاں پہ سڑکوں پہ پھرتی تھی, آلموسٹ شی بکیم اے میڈ. اتنا مارک ہے میرا زہر, نسلوں تک پہنچتا ہے اس کا اثر. ہاشم نے میرے اشاروں پر کیا ایک گناہ, درد جھیلتے رہے اس کے بچے جو تھے بے گناہ. قدم قدم پر انہیں ملی رسوائی, کون سمجھتا ان کے درد کی گہرائی. میں جب بولتی ہوں, اگر مجھے کلاس میں بھی پوچھا جاتا ہے آپ کے پاپا کیا کرتے ہیں, تو میں بولتی ہوں جی بھائی وہ پولیٹیشین ہیں. تو کہتے ہیں اچھا اچھا پولیٹیشین, کیا نام ہے ان کا؟ تو میں بولتی ہوں ہاشم قریشی. تو سیدھا سب یہ کہتے ہیں او آپ ہائی جیکر کی بیٹی ہو.
तो वो लाइक काफी ये थोड़ा सा एम्बैरस भी फील होता है। मेरी कोशिश थी कि हिरासत में रहकर बदल जाए हाशिम के विचार, तंग दीवारों की घुटन बना दे उसको तशद्दुद का पैरोकार, लेकिन मेरे दिखाए खौफनाक ख्वाबों की बुनियाद हिलने लगी। इल्म और इबादत की रोशनी से हैवानियत की बर्फ पिघलने लगी। अहिंसा की नई जमीन पर नेक ख्यालों की बयार चलने लगी। मेरी चालों को हाशिम समझने लगा, मेरी हैवानी पकड़ से निकलने लगा। जेल के दौरान ही आप समझ ले कि मैं चेंज हुआ। उसकी वजह यह है, मैंने आपसे पहले ही कहा, एक तो मुख्तलिफ मज़हब पढ़े और मुझे सबसे ज़्यादा मार्टिन लूथर किंग की स्ट्रगल और गांधी जी की स्ट्रगल लगी थी। ये सारी चीज़ें सोचते सोचते जहन में मैंने कहा नहीं, ये रास्ता नहीं। अगर टूट जाऊं तो रुक जाए मेरा कारोबार, नए शातिर इरादों से चोट करता हूं बार बार। इधर हाशिम आया जेल से बाहर, उधर मेरे प्यादे उसे गुमराह करने को बैठे थे तैयार। लेकिन ये क्या, उसने फिर जुल्म की राह चलने से इनकार कर दिया और बदले में सालों साल का दुख स्वीकार कर लिया। मेरा घातक वार फिर खाली गया। वो खुदा का बंदा अकेला ही अमन की राह चलता चला गया। इल्म, तजुर्बा, एक्सपीरियंस, मुशाहिदा, ये सारी इकट्ठी होगी चीजें, और जिस वक्त यहाँ मिलिटेंसी शुरू हुई पूरे कश्मीरी